उसको ट्रैफिक को बाधित ना करते हुए, ट्रैफिक में क्योंकि एक शार्प एज आती है तो वो शार्प एज ना आए और उसको बाधित ना करते हुए, कम से कम उसमें समस्या हो जन सामान्य को, और उसको एक प्रपोजल बना करके समय सीमा 2 दिन की जैसे सीमा निर्धारित की गई थी कि 2 दिन के अंदर बैठक कर ली जाएगी, तो आज 2 दिन की अवधि में बैठक को कर लिया गया है। साथ ही साथ 1 तारीख से उन लोगों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि 1 तारीख तक उन्हें तय समय अवधि तक प्रस्ताव मिल जाए, तो उन्हें उससे पहले प्रस्ताव की उपलब्धता करानी चाहिए। चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड की ओर से आज चंद्रशेखर चौक पर एकत्र होकर 1 तारीख को मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया और ऐलान किया गया है, जिसके बाद आज नगर विधायक प्रदीप पत्रा व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नवाई बंसल और नगर निगम के अधिकारी द्वारा वहां पर जाकर स्थल का निरीक्षण किया गया है। आइए जानते हैं नगर विधायक प्रदीप पत्रा जी से क्या कहना है इस बारे में। सर आज आपने निरीक्षण कराया वहाँ पर जाकर, क्या इस बारे में? लगातार मेरी अधिकारियों से बात चल रही है, जिला अधिकारी महोदय से मेरी बात इस बारे में हुई है, काफ़ी समय से बात चल रही है। तो हम चाहते हैं कि जो विवाद है ये ख़त्म हो और चंद्रशेखर की मूर्ति और यातायात की व्यवस्था को देखते हुए और लेफ्ट जोन जब फ्री करते हुए स्थान चिन्हित कर लिया गया है और वहीं पर जो है चंद्रशेखर जी की मूर्ति हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। आज जॉइंट मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अक्रम और मुख्य नगर अधिकारी और सहायक अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, हमने संरक्षण करा और 1 हफ्ते में वहाँ पर नगर निगम विधि द्वारा उसका प्लान बना दिया जाएगा और 1 हफ्ते में वहाँ पर काम शुरू करवा देंगे। विधायक जी, मूर्ति का जो साइज रहेगा वो वही वाला रहेगा या उससे बड़ी साइज की मूर्ति लगाएगा? मूर्ति पहले मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी है और बहुत पुरानी मूर्ति हुई है, तो कोशिश करेंगे कि नई मूर्ति वहाँ पर बड़ी लगाई जाए जिससे कि शहीदों का सम्मान रखा जा सके। चंद्रशेखर जी के सम्मान में हम लोगों ने चंद्रशेखर पार्क भी वहाँ पर बनाया और अभी चंद्रशेखर जी मूर्ति बहुत सम्मान तरीके से वहाँ रखी गई है, वहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, वहाँ पर प्लांटेशन किया गया है, वहाँ ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने वहाँ मूर्ति स्थापित करी है। और अब जो भी काम करेंगे आपको पता है मेरा काम करने का तरीका, जहाँ मैं काम करता हूँ सौंदर्यकरण बढ़िया करके और उसको खूबसूरत बना के ताकि शहर हमारा खूबसूरत रहे, सुंदर रहे। और तब समय की मांग थी लेफ्ट जोन फ्री करने के लिए, हम लोगों ने मूर्ति हटाई थी कि ट्रैफिक जाम रहता था, स्कूल के बच्चे 3-3 घंटे वहाँ पर खड़े रहते थे। जब नए पुल का निर्माण हुआ तो एक नक्शा IIT द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा कहा गया भाई 2 चौराहे, एक कारगिल शहीद चौराहा था और एक चंद्रशेखर का था, इनको बीच में लाया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रही, उस व्यवस्था से काम कराया गया था। तब समय की मांग थी, आज समय की मांग ये है कि मूर्ति वहाँ लगाई जाए तो मूर्ति वहाँ स्थापित कराएंगे। तो आप मानते हैं कि पुराने स्थल पर ही मूर्ति लगाई जाएगी, वहीं से द्वारा जहाँ पहले थी वहीं पर स्थापित की जाएगी? पुराने स्थल पर मूर्ति स्थापित करी जाएगी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जगह चिन्हित करी है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, आप भी वहाँ से निकलते हैं हम भी निकलते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं जनता की सहूलियत को देखना, जनता की सहूलियत को देखते हुए लेफ्ट जोन फ्री करते हुए पुराने स्थान पर ही मूर्ति लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, नगर विधायक प्रदीप पत्र ने बताया कि पुराने स्थल पर ही मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और छोटी मूर्ति की जगह बड़ी मूर्ति भी उस स्थल पर लगाई